खबर, बड़ी खबर, हर तरीके की खबरों को हमने प्राथमिकता दी है और यही वजह है कि आज हम नंबर वन है। सनुज का मैं रुख करूंगी। सनुज आपके साथ लोग हैं, मैं चाहूंगी कि बात कीजिए एबीपी गंगा को किस तरीके से वो देखते हैं, ग्राउंड पर जो हम कवरेज करते हैं, जो निष्पक्षता हमारी है उसको वो कैसे देखते हैं, बात कीजिएगा। सनुज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए अवधेश का रुख करेंगे, अवधेश का रुख करेंगे क्योंकि मथुरा में बने हुए हैं, होली का रंग दिखा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अवधेश, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि मथुरा में हर बड़ी खबर को, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि की खबर हो, वृंदावन की खबर हो, वहां के विकास की खबर हो, हर खबर को हमने प्राथमिकता दी है। और आज देखिए, जब होली का पर्व है तो 3-4 दिनों से ग्राउंड पर लगातार हमारी टीम बनी हुई है, कैसे वहां पर लोग देखते हैं हमें? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली तस्वीर हम बता दें आपको कि 3-4 दिनों की बात अलग है। एबीपी गंगा एकमात्र चैनल था जिसने वृंदावन कुंभ से इस देश को अवगत कराया था। वृंदावन कुंभ के बारे में संत समाज भी बहुत ज्यादा अवगत नहीं है, मैं खुलकर बोल रहा हूँ संतों की धरती से, लेकिन एबीपी गंगा ने वृंदावन कुंभ को बड़ी सटीकता से कवर किया था और एक बड़ा सबमिट हुआ था शास्त्र। इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम बड़ी जो खबरें हैं मथुरा और मथुरा के आसपास के पश्चिम की, वो एबीपी गंगा ने बड़ी बारीक और सटीक तरीके से बताई है, चाहे वो पश्चिम का चुनाव रहा हो, चाहे वो अब मथुरा के आसपास के क्षेत्र रहे हो, यमुना की सफाई का मसला रहा हो, एबीपी गंगा ने इसको उठाया। कदम्ब का पेड़ सूख रहा है, ये सवाल केवल एबीपी गंगा ने उठाया है, टंके की चोट पर उठाया है, तो ये तमाम चीजें रही हैं। और इसके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री के यहाँ पर दौरे रहे हैं लगभग 2 दर्जन, उसको एबीपी गंगा ने दिखाया है। तो ब्रज के 84 क्षेत्र कोस का जो पूरा दायरा है, एबीपी गंगा यहाँ पर घर घर में बसता है। और यहाँ पर हम आए तो देखिए, हम तस्वीर दिखा दें, सबसे बड़ी बात है होली का कार्यक्रम हुआ है और इन लोगों ने एबीपी गंगा किया। सकते हैं कि एबीपी गंगा की क्या विश्वसनीयता है और किस तरीके से हमने काम किया है, तो रेटिंग तो बताती है नंबर वन है, लेकिन जिन चीजों का जिक्र हमने किया वो चीजें भी ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि हम केवल आंकड़ों पर बात नहीं करते, हम केवल तथ्यों की बात नहीं करते, हम लोगों के दिल ठीक है। ठीक है अवधेश, हर एक खबर को जितनी बारीकी से पारदर्शिता के साथ हमने दर्शकों के सामने रखी अवधेश, और उसी का नतीजा तो ये है आज का दिन। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये दर्शकों की भी है कि लगातार वो हमारे साथ जुड़े रहे और जिसको वो पसंद करते हैं वो नंबर वन है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सनुज का रुख लेते, सनुज वहां पर और लोगों से बातचीत कीजिए क्योंकि उन्हीं के प्यार और भरोसे की बदौलत आज हम नंबर वन है, लोग क्या कहते हैं वहां के, उनसे बातचीत कीजिए। हाँ देखिए, बाकी जनता का भरोसा हम लोगों ने जीता है, इसीलिए एबीपी गंगा की टीम नंबर वन है। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैम पुणे से यहाँ पर है और जैसी देखा कि एबीपी गंगा का लाइव चल रहा है तो वो खुद यहाँ आ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम पहले तो आप लोगों के भरोसे की बदौलत एबीपी गंगा नंबर वन आ गया है, आप भी लगातार देखते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं एबीपी गंगा भी देखती हूँ, एबीपी न्यूज भी देखती हूँ और मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो एबीपी माझा भी देखती हूँ, मराठी चैनल। और एबीपी का जैसे लोगों ने आपको रखे आगे, तो वाकई में उसने हमें आगे रखा। इनफैक्ट मैंने पूरा ये जो एग्जिट पोल और ये सब हुआ था आपका यहाँ के इलेक्शंस को लेके, तो वो भी बहुत अच्छा देखा और बहुत आप लोगों ने बहुत मेहनत की, डेडिकेशन से करा, इसलिए इसी ये मेहनत दिख रही है आपकी, तो इसी कारण आप नंबर वन हुए हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। हाँ आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी एबीपी गंगा देखते हैं? यस, मैं देखता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी यूक्रेन वर्सेस रशिया चल रहा है तो मेरे को बहुत पता है एबीपी गंगा और एबीपी न्यूज से, तो मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है एबीपी से, और बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। हाँ सर आप बता दीजिए, आप लोगों का भरोसा जीत लिया हम नहीं? बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बल्कि एबीपी न्यूज देखता हूँ और दोनों ही देखता हूँ, 302 पे और 339 पर भी, बल्कि मुझे इंडिया टीवी से भी ज़्यादा अच्छा एबीपी लगता है क्योंकि इसमें जो न्यूज़ दी जाती है वो ज़्यादा बढ़िया दी जाती है और ज़्यादा सही दी जाती है। अच्छा, हाँ सर आप। मैं इनके चैनल से इस वजह से प्रभावित हूँ कि अन्य चैनल की तरह शोर मचा के या डंका बजा के नहीं वो करते, साफ सुथरा सिस्टमेटिक न्यूज़ बोलते हैं और जो कि बहुत ही हृदय को टच करने वाली होती है, किसी तरह का ये नहीं, कोई फेवर वाली बात नहीं है। एबीपी बहुत पुराना चैनल है और इस वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है। आप भी बता दीजिए, आप भी एबीपी गंगा यहाँ पर पनपने भी नहीं दिया जाता और वो लोग भी कह रहे हैं सिर्फ यहाँ पर सच ही उनको दिखाई देता।